और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार असली फाइट अब स्टार्ट होने जा रही है, जहां पर बार बार निधि ये कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार प्रीता से किस तरीका से नफरत करे करण। क्योंकि दोस्तों इसे निधि को ये तो ज़रूर पता है कि आज नहीं तो कल प्रीता की मुलाकात करण से ज़रूर होगी, लेकिन वो इस तरीका से भड़काने में लगी हुई हैं ताकि करण ये समझे कि नफरत की प्रीति, जी हाँ, ताकि प्रीता के दिल में नफरत पैदा कर दें। लेकिन दोस्तों प्रीता की बात की जाए तो प्रीता इस समय कुछ भी याद नहीं करना चाहती और ना ही उसका याद करने का कोई रहस्य है। आप लोग जानते ही हैं कि याद करने का रहस्य के पीछे भी कई चीज़ सामने आती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग कहीं ना कहीं अपसेट भी नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये जो हो रहा है ये सही तो नहीं हो रहा है, ये तो सभी लोगों को पता भी है। वहीं बात की जाए तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी कहानी में एक ट्विस्ट आना और बाकी है दोस्तों। वो नया ट्विस्ट क्या है उसकी भी जानकारी आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय बोलती हुई नज़र आने वाली है जो कि पलकी, वो भी राजवीर से, कि राजवीर अभी तक हमने वो किया है कि जो करना चाहिए, लेकिन अब हम कुछ और भी करना ज़रूर पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि आखिरकार इधर राजवीर और पलकी के बीच में प्यार का तो इजहार होता हुआ नज़र भी आने वाला है, ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भरा देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में एक नया ट्विस्ट ये भी देखने को मिलेगा कि सौर्या को सभी लोगों के बीच में राजवीर और राजवीर के साथ साथ में आप लोग जानते ही हैं कि इस समय और भी लोग एक्सपोज करेंगे, और एक्सपोज करने के पीछे का कारण भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था कि कुछ भी करना पड़े लेकिन इस राजवीर को एक्सपोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और राजवीर की हर एक्टिविटी पर इस समय